नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। नोएडा पुलिस ने यहां स्थित कई कंपनियों को नोटिस भेजकर निर्देश दिया है कि उनके कर्मचारी किसी सार्वजनिक स्थल पर खुलेआम नमाज ना पढ़ें बिना अनुमति के लिए। इसके लिए अनुमति आवश्यक है। सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से ऐसी कोई अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। पुलिस द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि प्रशासन सेक्टर 58 अथॉरिटी पार्क में शुक्रवार को नमाज समेत किसी भी धार्मिक गतिविधि करने की इजाजत नहीं देता है। देखा जा रहा है कि आपकी कंपनी के कर्मचारी पार्क में नमाज पढ़ते हैं। क्षेत्र के थाना प्रभारी ने नमाज ना पढ़ने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से भी कोई अनुमति फिलहाल नहीं मिली है। अगर कोई कर्मचारी पार्क में नमाज पढ़ता है और कंपनी ने उसे आदेश की जानकारी नहीं दी तो फिर कंपनी को ही जिम्मेदार माना जाएगा, कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो नोएडा पुलिस की तरफ से, एसएसपी की तरफ से, थाना प्रभारी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, ये निर्देश दिया गया है। फिलहाल इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि वहां पर पार्क में आने जाने वाले अगल बगल रहने वाले लोगों ने इसको लेकर शिकायत की थी कि कंपनी के तमाम लोग यहां पर नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित होते हैं और सार्वजनिक तौर पर इस तरीके की कोई इजाजत नहीं है, ना ही प्रशासन ने इसकी अनुमति दी है। और इसको लेकर फिलहाल पुलिस ने अपनी तरफ से ये निर्देश जारी किए हैं कि कंपनियों को जिम्मेदार माना जाएगा, कंपनी इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। अगर नमाज पढ़ने वाले लोग हैं तो कंपनी के अंदर वो नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगह या कोई पार्क में उनका इकट्ठा होना और बिना अनुमति के नमाज पढ़ना ये ठीक नहीं है। इसके लिए ना तो मजिस्ट्रियल आदेश है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को यहां फॉलो किया जा रहा। इन तमाम परिस्थितियों में एक बार फिर से इसको एक नया रंग देने की कोशिश करेंगे विपक्षी दल के लोग, या फिर वो जो कि आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा। हालांकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन या फिर जो प्रशासनिक इजाजत है, अनुमति है, उसको लेकर पुलिस ने ये अपनी तरफ से निर्देश दिए हैं। और इस बीच में बीजेपी सरकार की तरफ से सफाई भी आ गई कि प्रशासन का मामला है। प्रशासन ने एक जगह पर कुछ शिकायत सुनने के बाद इस पर अपना फैसला लिया, आदेश दिया। थाना क्षेत्र में 58 सेक्टर में जो अथॉरिटी का पार्क है, जिसके संबंध में कुछ व्यक्तियों के द्वारा वहां पर धार्मिक प्रेयर्स के लिए परमिशन मांगी गई थी, जिसकी परमिशन सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से अभी तक नहीं दी गई थी। उसके बावजूद काफ़ी भारी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, जिसके बारे में उनको अवगत करवाया गया कि भी किसी प्रकार की परमिशन अभी तक नहीं हुई है और यही सूचना संबंधित कंपनियों को दी गई थी। यह सूचना किसी धर्म विशेष के लिए ना हो करके सभी व्यक्तियों के लिए है और आप सभी से उम्मीद की जाती है कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस का सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। तो नोएडा में पार्क में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के मामले में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रशासन के फैसले का स्वागत भी किया है। वसीम रिजवी ने कहा कि आदेश मुस्लिमों को गुनाह से बचाने के लिए है, क्योंकि बिना परमिशन के नमाज पढ़ना भी गुनाह है। नमाज का इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आप बगैर किसी की इजाजत लिए किसी भी सरकारी जगह पर या किसी की गैर की जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर के इस तरह का कोई सर्कुलर पारित हुआ है कि आप कहीं खुले पर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ये मुसलमानों को गुनाह से बचाने के लिए है। आप जिस ऑफिस में हैं उस ऑफिस में परमिशन लेने के बाद आप उस ऑफिस की जगह को नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बगैर परमिशन सरकारी जगह पर या गैर सरकारी जगह पर किसी दूसरे की जगह पर नमाज अदा करना गुनाह है, जो नमाज कबूल भी नहीं हो सकती। बहरहाल हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमोहन ने इस पर अपनी तरफ से बात भी रख दी है कि यह सरकार की तरफ से जारी कोई आदेश नहीं है, बल्कि प्रशासन ने एक निर्णय लिया। जो वहां पर शिकायत थी, जो आपत्तियां थी, उसको देखते हुए या फिर कुछ ऐसा हो सकता था जिसको लेकर नाराजगी बढ़ सकती थी, इसलिए पुलिस प्रशासन का यह फैसला भर है। अब सवाल क्या है, क्या है मामला? नोएडा के सेक्टर 58 के पार्क में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित होते थे, जिसकी अनुमति नहीं है। कुछ हफ्ते से लोगों की संख्या में भारी इजाफा हो गया। आसपास के लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर की। पुलिस ने आपत्तियों को देखा, सुना और उसके बाद कंपनी को निर्देश दिया। कंपनी को चिट्ठी लिखकर यह नोटिस दिया गया है। ऐसे आयोजन के लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की बात कही गई और कहा गया कि बिना परमिशन के इस तरीके से कहीं एकत्रित होना और नमाज अदा करना या फिर कोई धर्म कर्म का काम करना यह ठीक नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी है, क्योंकि किसी भी धर्म का कोई भी कार्यक्रम उसके लिए अनुमति होती है, अनुमति लेने की जरूरत होती है। और यहां जिस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, नमाज के नाम पर वहां तमाम लोग एकत्रित हो रहे थे, तो अगल बगल में रहने वाले लोगों को इस पर आपत्ति हुई, या जो लोग पार्क में आते थे रेगुलर बेसिस पे उनको आपत्ति हुई और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की है।
चले हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। इमरान हसन हमारे साथ मौलाना है, बहुत स्वागत है हसन साहब आपका। एसआर दारापुर साहब पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ हैं। दारापुर साहब बहुत स्वागत है आपका। हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका। सबसे पहले दारापुर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे प्रकरण में राजनीति अपने आप में आगे हो सकती है, ना हो तो बेहतर है? वैसे ऐसा अनुभव है नहीं हमारे देश में कि ऐसे मुद्दा उठे और उस पर राजनीति होना, वो भी बीजेपी के सरकार के रहते रहते। लेकिन जो पुलिस ने आदेश दिया उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि शांति व्यवस्था ऑर्डर व्यवस्था बनाए रखना ये पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस ने अगर व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये आदेश दिया है तो ठीक है, इसका तो स्वागत है, पर इसके साथ कुछ और सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं तो यहां पर तो आप व्यवस्था के नाम पर ठीक है आपने रोक लगा दी, पर इसी धर्म के मामलों को लेके इतने सार्वजनिक स्थलों पर कब्जे हो रखे हैं और तमाम धार्मिक आयोजन होते हैं, वहां पर इस प्रकार का प्रतिबंध क्यों नहीं लगता? सुप्रीम कोर्ट ने कितने साल पहले से एक स्पष्ट आदेश सभी राज्यों को दिया था कि सार्वजनिक स्थलों पर जितने भी धर्म के नाम पर अवैध कब्जे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का है, वो सारे के सारे हटाए जाएं। पर आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी ऐसे अवैध कब्जे को क्यों नहीं हटाया? ये सवाल उसके साथ खड़ा होता है। इसका जवाब भी प्रशासन को भी देना चाहिए और इसका जवाब सरकार को भी देना चाहिए। दारापुर साहब मैं आपको रोक रहा हूं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। जफरयाब जिलानी क्या कह रहे हैं इस मसले पर, सुनते हैं जरा। सभी लोग तकरीबन 25-30 जिलों के लोग थे, मैंने अभी काउंट नहीं किया, जो जो आते हैं वही आमतौर से। अध्यादेश को लेकर कुछ तय हुआ? अगर अध्यादेश आएगा तो देखिए पहले बोर्ड की मीटिंग में भी हो चुका है और यहाँ भी यही राय है कि अध्यादेश आएगा तो फौरन चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल तो जफरयाब जिलानी को आप सुन रहे थे, अध्यादेश के मामले पर अपनी बात रख रहे थे। बहुत जल्दी से इमरान हसन साहब, जो बात दारापुरी साहब ने कही है कि किसी भी धर्म का मसला हो और किसी भी धर्म में इस तरीके के काम हो या फिर इसकी आड़ में कुछ और तरह की गतिविधियां, वो कोई भी धर्म हो, लेकिन जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की उसकी पालना क्यों नहीं हो पाती? यहां पर पुलिस ने शिकायत के बाद ये कदम उठाया, उसको आप कैसे देखते हैं? और अब जैसा वसीम रिजवी ने कहा कि इस्लाम में वैसे आपने अपने आप में गुनाह है और तमाम और भी प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं, क्या वाकई नमाज के नाम पर किसी भी जगह पर एकत्रित हो जाना ठीक है और अगर रोक लगाया गया तो उसमें कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, अगर रोक लगाया गया तो जाहिर सी बात है वहां के लोग अब वहां नमाज नहीं पढ़े, क्योंकि कहीं अगर मनाजगी है तो वहां पढ़ना जो है नमाज आपकी अदा नहीं होगी। अब ये कंपनी के लोग हैं, कंपनी को खुद ऐसा इंतजाम वहां करना चाहिए कि वो जुमे के दिन वहां इकट्ठा होकर नमाज पढ़ लें। ये अगर वो परमिशन मांग, कहा जा रहा है कि परमिशन लेके पढ़ सकते हैं अगर ज्यादा लोग हैं तो, अगर परमिशन मिल जाती है तो वो पढ़ लेंगे। ये इससे बड़ा इशू वही है जो अभी इन्होंने उठाया है कि जब सार्वजनिक स्थानों पे ये प्रतिबंध है तो तमाम जगह आप देखेंगे कि जो है वो कब्जा करके कहीं मजार बना दी जाती है और अपनी प्रॉपर्टी को बचाया जा रहा है, या कहीं मंदिर बना दिया जाता है या कुछ भी बना के जो है उसको रोका जाता है, और जबकि ऑर्डर पास हो चुका है लेकिन उसको नहीं तोड़ा जाता है न हटाया जाता है, तब ये सवाल उठता है कि प्रशासन जो है ये ऐसी चीजों में ही क्यों जाग जाता है, क्यों इसके मतलब फिर लगता है कि इसमें कोई राजनीति है या कुछ है। अगर एक जैसा कानून हो, एक जैसा पालन हो तो किसी को क्या आपत्ति है कि भाई कानून का पालन हो रहा है और सब कानून को का मान सम्मान करते हैं, तो अगर कानूनी कार्रवाई अगर सबके लिए बराबर है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। लेकिन जब एक सेलेक्टिव जैसा महसूस होने लगेगा तो उसमें जरूर बात आदमी कहेगा। लेकिन फिर भी ये सब जहां जितने भी मुसलमान जो वहां जुमे की नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं, अगर ज्यादा दिक्कत है भाई वो छुट्टी लेके जो है मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लें, एक दिन की छुट्टी ले लें, या जो है वो कंपनियां जो है वहां उसका अरेंजमेंट करें। इसको जो भी हो कानूनी दायरे में रह के ही इसको अदायगी करनी चाहिए और इसको नहीं। लेकिन हसन साहब देखिए, आपने भी एक पार्ट को तो आपने सही माना, आपने कहा कि कंपनियों को खुद व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को नमाज अता करना है तो जाकर करें, लेकिन दूसरे में आपने शक भी जाहिर किया कि अगर टारगेट किया जाए ऐसा महसूस होने लगे तो लगता है कि यहां गड़बड़ी। हालांकि अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखा, स्थानीय लोगों ने यहां पर परेशानी जाहिर की, उनका मानना था कि संख्या बढ़ती जा रही है उससे दिक्कत पैदा होती है इसलिए पुलिस ने एक्शन लिया है, लेकिन फिर
कि हर एक धर्म में असल में इस तरीके की छूट मिल गई है और राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि धर्म में जैसे ही कोई हाथ डालता है उसके बाद उसको उसका भुगतान भी करना पड़ता है और राजनीतिक पार्टियां इतनी हिम्मत कर नहीं पाती या फिर इसी से उनका वोट बैंक भी सत्ता है। हेमंत तिवारी जी, मौजूदा दौर में एक ऑर्डर आता है, एक आदेश निर्देश आता है सरकार की तरफ से नहीं बल्कि प्रशासन की तरफ से, लेकिन बयानबाजी, शक, तमाम तरह की चीजें चर्चाओं में आ गई। वो किसी भी धर्म का मसला हो, साधु संतों की बात कर लें, हिंदू धर्म में तमाम तरह के जो अलग अलग लोगों के नाम पिछले दिनों सुर्खियों में रहे, हरियाणा का आपने देखा कि राम रहीम से लेकर रामपाल तक तमाम लोगों पर सख्ती बरती गई और जमी जमाई दुकान उनकी उखड़ गई, लेकिन जब बात नमाज की आती है तो वहां पर रंग कुछ और दे दिया जाता है, या अल्पसंख्यक बिरादरी की बात आती है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां हल्ला बोल देती हैं बीजेपी पर कि उनकी सरकार और तभी अन्याय हो रहा। क्या इसमें कुछ अन्याय जैसा है या प्रशासन का एक विवेकपूर्ण फैसला है, उसने देखा शिकायत को सही समझा और कुछ आशंकाएं उसके मन में रही होंगी इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक एक आदेश दिया? हाँ देखिए अतुल, मैं दारापुरी साहब और इमरान साहब की ज्यादातर बातों से इत्तफाक रखता हूं, बहुत बेबाकी से सही बात बोली है और यहाँ थोड़ा सा पेंच है इस पूरे प्रकरण में जो जानकारी अद्यतन मुझे है कि आदेश में कोई गलती नहीं है, होना चाहिए। अगर कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका होती है, भीड़ ज्यादा किसी की भी हो, किसी धर्म की हो, तो निश्चित रूप से जो भी पुलिस अफसर होते हैं उनकी चिंता होती है, लेकिन नोएडा के मामले में एक थोड़ी सी मुझे लगता है कि कुछ मिस कम्युनिकेशन हुआ है। मिस कम्युनिकेशन इस दृष्टि से, कभी मैं देख रहा था कहीं कि ये आदेश जो है जारी किया पुलिस की ओर से, मतलब एसएसपी ने आपके सामने अभी बयान भी दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है बीएन सिंह का कि पुलिस वालों को यह आदेश जारी करने के पहले एक बार प्रशासन से बात कर लेनी चाहिए थी। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसका मुखिया जिला मजिस्ट्रेट होता है, बिल्कुल तहत एडीएम होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर या सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं, इनसे कोई राय नहीं ली। जो श्री शर्मा जी हैं एसएसपी नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या प्रशासन के अफसरों को भरोसे में नहीं लिया। हालांकि यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत स्पष्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसा दारापुर जी का, उसका अनुपालन कौन करता है? बिल्कुल बिल्कुल। अतुल प्रताप सिंह देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन दिल्ली का है, दिल्ली के रेलवे स्टेशन में भी आपको मजार और मंदिर मिल जाएंगे, बिल्कुल। लखनऊ के चारबाग स्टेशन में बाकायदा उर्स लगता है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। लखनऊ, कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में मंदिर खड़ा करके, मस्जिद खड़ी करके रास्ता रोक लिया है साहब, बाजार पूरी कब्जा कर ली है, ये दिखाई नहीं पड़ता क्या? देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश है तो उसका अनुपालन करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, इसको तो एक मुहिम चला करके इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। लेकिन यही है ना कि दिक्कत क्या है, आप मंदिर तोड़ने जाओगे तो हिंदू धर्म के झंडा बरदार खड़े हो जाएंगे, आप मस्जिद हटाने की बात कहोगे तो फिर उसको दूसरा रंग दे दिया जाएगा। यहां भी आप देखिएगा, वैसे तो मैं यही निवेदन करूंगा कि इसको कोई राजनीतिक रंग न दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कभी शाम हुई है, तीसरा पहर चल रहा है, देर शाम होते हो तो इसमें कुछ राजनीतिक रंग चटकने लगेगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ सियासत को लोग बड़े भावी लाभ की दृष्टि से देखते हैं। और एक बात मानिएगा, आपके जो मूल प्रश्न का एक उत्तर मैं देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले महीनों में लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह की बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और उसके अलग मायने भी होंगे, उसके अलग लाभ भी होंगे, उसका एंटीसिपेशन भी अलग होगा, परंतु मैं इस आदेश में कोई कमी नहीं मानता हूं। नहीं, इस आदेश में कोई कमी है भी नहीं, लेकिन जो आपने कहा वो वाकई कमी है कि कम से कम जो एक ढांचा बना हुआ है, जो हायरकी बनी हुई है, वहां पर अधिकारी को एक सामंजस्य बिठाना चाहिए था और उसमें उनसे रायशुमारी करके उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेने के बाद अगर कोई एक्शन लेते या कोई निर्देश देते तो और भी ज्यादा ये प्रमाणिक होता और ज्यादा इस पर कोई संशय नहीं रह जाता। लेकिन हेमंत जी, जैसा आपने सवाल उठाया वो मैंने पहले ही कह दिया था
कि किसी भी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इन कामों को या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सही तरीके से पालन करा दे, क्योंकि वोट की राजनीति सबकी अपनी अपनी है और कोई भी इसमें अपनी तरफ से सख्ती दिखा नहीं सकता, एक मुहिम चलाकर इस पर एक्शन ले नहीं सकता, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, किसी भी धर्म में जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें दखल देने की हिम्मत नहीं है। समय अंतराल पर कुछ कुछ एक्शन जरूर दिखता है। बहरहाल दानापुरी साहब, जो बात यहां पर कही है हेमंत तिवारी जी ने, वाकई अपने आप में बहुत अहम है और चर्चा भी यही। बीजेपी के प्रवक्ता ने भी यहां पर हवाला दिया कि सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है। चंद्रमोहन साहब ने मीडिया के सामने कहा है कि दरअसल सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, प्रशासन, लेकिन प्रशासन को ऐसे मामलों में थोड़ी सी समझदारी की दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। जो बात इंगित कर रहे थे हेमंत तिवारी जी कि ऐसे मामले ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर बहुत संवेदनशील होते हैं बल्कि धार्मिक तौर पर भी, यहां पर वो लूप होल अधिकारियों की दिखाई देती है, कॉन्फिडेंस में लिए बगैर एक पत्र जारी कर दिया गया और वो कल को विवाद का स्वरूप ले सकता है। देखिए ये बात तो सही है, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है, ये बड़ा संवेदनशील मामला है, इसमें आदेश जारी करने से पहले आपस में विचार विमर्श कर लेना चाहिए था और उसके बाद ही जो है ये आदेश जारी करना चाहिए था। और जो वर्तमान स्थिति है उसमें तो ये लगता है कि पुलिस प्रशासन और जो बाकी जिला प्रशासन है उनके बीच में आपस में या तो तालमेल की कमी है या मतभेद है, जबकि ऐसे संवेदनशील मामलों में बिल्कुल एक मत होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्थिति बिगड़ती है, कुछ ऐसा आता है, तो फिर तो पूरे प्रशासन को उसमें जूझना पड़ता है। तो ये बात सही है कि ये बेहतर होता है कि आदेश जारी करने से पहले इस पे विचार विमर्श कर लिया जाता। वैसे आदेश तो सुप्रीम कोर्ट के ना जाने कितने हुए पड़े हैं और उसका किसी का अनुपालन नहीं हुआ, वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि जो आप ठीक है इसमें तो उन्होंने करवा दिया, पर वो दूसरा आदेश भी को बहुत पुराना नहीं है, वो पिछली सरकार के समय में आया था, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया और वर्तमान सरकार से तो खैर हम उम्मीद करते ही नहीं कि ऐसे मामले में कुछ करेगी। चलिए, वैसे उम्मीद तो सर उनसे भी कुछ नहीं किया जाना था और इनसे भी कुछ नहीं किया जाना था, दोनों लगभग बराबरी ट्रैक पर ही हैं इस मामले में, या तमाम पार्टियां, राजनीतिक पार्टियों का सबका यही हाल है, क्योंकि उनको भी देखना है कि उनका नफा नुकसान कहां पर है और अब उस मुद्दे पर ही वो हाथ डालती हैं जहां से कुछ फायदा उनको मिल सकता है या किसी का नुकसान हो सकता है। बहरहाल हसन साहब, मैं आपके पास आऊं उसके पहले मेरे सहयोगी सुमित हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं नोएडा से, उनसे बात करते हैं। सुमित, जो प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए, क्या शिकायत थी और क्या यहां पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या मजिस्ट्रेट की अगर बात करें तो उसमें कुछ तालमेल में कमी है? क्या बहुत जल्दबाजी में एक नोटिस दे दिया गया? किस तरीके की शिकायत थी, क्या वहां पर आपत्तियां थी? जी बिल्कुल अतुल जी, मैं बता दूं, यहाँ के आसपास के निवासी जो थे, निवासियों की शिकायत थी कि यहाँ पर जो पार्क है वो सार्वजनिक पार्क है, यहाँ पर जो कुछ कंपनियां हैं, जो कंपनियों के लोग हैं, वर्कर हैं, वो यहाँ नमाज के दिन नमाज अदा करते हैं, जिससे यहाँ जो है पार्क में खेलने आने वाले बच्चे और घूमने वाले जो बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, उनको घूमने और खेलने के लिए जगह नहीं मिल पाती, जिसके बाद ये इस तरह की शिकायत यहाँ प्रशासन से की गई। प्रशासन ने शिकायत को मद्देनजर रखते हुए ये स्टेप उठाया, ये कदम उठाया और जितनी भी यहाँ सेक्टर 58 स्थित कंपनियां हैं सभी को जो है नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करने के बाद ये सूचना दी कि इस तरह का जो यहाँ नमाज पढ़ते हैं लोग, कंपनी के वर्कर हैं, वो इस तरह की नमाज बिना परमिशन के यहाँ कोई नहीं पढ़ेगा। अगर इस तरह की जिस तरह ये बिना परमिशन के यहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं खुले में इस तरह से, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दूं कि जो कंपनियों के मालिक हैं, मालिकों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर भी जो है यहाँ पुलिस प्रशासन एक्शन ले सकता है। अगर नोटिस देने के बाद अगर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, अगर कोई नहीं सुनता है तो। जी सुमित, बहुत जल्दी से एक सवाल और आपसे, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अब जो निर्देश दिया गया है, क्या उसको लेकर जो अब माहौल बनने की बात है या आशंका मन में है कि कम से कम ऐसा लिखित तौर पर देना जरूरी नहीं था, कंपनियों को ओरली बुला जा सकता था या बुलाकर उनको निर्देश दिया जा सकता था, अब चलिए जो हुआ सो हुआ, उसके बाद क्या कंपनियों की तरफ से कोई पक्ष आया है?
बिल्कुल, कंपनियों के जितने भी कंपनी ऑनर हैं, कंपनियों के एग्जीक्यूटिव हैं, सब में एक हड़कम मतलब माहौल इस तरह का बना हुआ है, चिंता का माहौल है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से एक नोटिस यहां जारी कर दिया गया है प्रशासन द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनमें जो है चिंता का विषय है कि इस तरह से एकदम अचानक कैसे ये नोटिस जारी कर दिए सकते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन का इस बारे में कहना है कि जो मद्देनजर लोकसभा चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर जो है इस तरह का नोटिस जारी किया ताकि आने वाले चुनाव में जो माहौल है, माहौल कहीं बिगड़ ना जाए, इसके लिए जो है इस तरह का नोटिस जारी किया। वहीं माहौल को देखते हुए, माहौल बिगड़े ना इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी, उन्होंने पहले ही कमेंट में इसका जिक्र कर दिया था कि आने वाले समय में हो क्या सकता है या फिर किस तरीके की आशंकाएं संभावनाएं हैं। हेमंत जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी करिए जो मेरे सहयोगी सुमित बता रहे हैं, उसके बाद हसन के पास जाऊंगा। मैं एक बात बता दूं, सुमित से जरा पूछिए कि क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर बीएन सिंह ने यह कहा है कि पुलिस को नोटिस नहीं भेजना चाहिए था, पुलिस ने नोटिस भेज के गलत किया है। उनका कहना है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, आदेश है इस पर। तो एक बात यहां बड़ी साफ है, आप अपने रिपोर्टर, ठीक है हेमंत जी, मैं इसका जवाब ही ले लेता हूं जो आपने पहले भी सवाल लिया था। सुमित, क्या इस तरीके की कोई सूचना है कि बीएन सिंह ने कुछ ऐसा आदेश दिया है या फिर उन्होंने कोई बाइट दी ऐसी कि हां कम से कम पुलिस प्रशासन को इस तरह का निर्देश देने की आवश्यकता नहीं थी? बिल्कुल, मैं बता दूं, ये जो लोग हैं जो नमाज यहाँ पढ़ते हैं वो लोग सिटी मजिस्ट्रेट के पास भी गए थे इसकी परमिशन लेने, लेकिन उनको परमिशन नहीं दी गई थी, जिसके बाद जो है पुलिस द्वारा ये एक्शन लिया गया और प्रशासन द्वारा निर्देश के बाद ही ये इस तरह का एक्शन यहाँ लिया गया है। जी चले, बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो बात हेमंत जी आप कह रहे थे वो बात देखिए, यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है या जिनको रोका गया है वो लोग भी पहुंचे थे मजिस्ट्रेट के पास और वहां से फिर ये निकल कर आया कि कम से कम पुलिस को यहाँ पर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी और आदेश कहां से जा सकता था या आने की जरूरत नहीं थी, इस पर उन्होंने अपना कमेंट कर दिया है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। इमरान हसन साहब आपके पास भी, चले ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद है इमरान हसन साहब, आपने पहले ही कमेंट में स्पष्ट कर दिया कि हाँ ये ठीक नहीं है, ना तो इस्लाम के हिसाब से, ना ही कानून की व्यवस्था के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से या गाइडलाइंस के हिसाब से। लेकिन मन में आपने आशंका भी व्यक्त की है कि ऐसा अगर एक तबके के लिए होता है तो ऐसा महसूस होता है, हालांकि अभी तक फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर खुद नमाजियों को भी इन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए या फिर उनके उस आस्था का, उनके उस विषय का ख्याल कंपनी को रखना चाहिए कि अगर इनको नमाज अता करनी ही है तो इनके पास विकल्प क्या है? क्या इसके लिए इन चीजों पर गौर रखने की जिम्मेदारी इनकी भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल, जाहिर सी बात है, वहां आसपास कोई मस्जिद आसपास नहीं होगी तो ये लोग सब यहाँ इकट्ठा हो जाते होंगे और तमाम काफी टाइम से चल रहा होगा जिसपे किसी को आपत्ति नहीं हुई। अब आपत्ति आई है तो अब इसका अल्टरनेटिव ये लोग देख के उसको कर लेंगे। बात ये है कि जब अगर एक एसपी साहब ने ये एक फरमान जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए, तो फिर उनको बाकी और चीजों पे भी ये फरमान जारी कर देना चाहिए, तब तो ये लगेगा कि वाकई ये अपना कार्य जो है वो सही तरीके से पालन कर रहे हैं। अगर सिर्फ एक ही चीज पे ये बात कहते हैं तो फिर ये जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत आदमी को शक होगा कि भाई ऐसा क्या वजह है, है ना। और ये सिर्फ इलेक्शन के आते टाइम ये इस तरीके की बातें उछालना और ये बात कहना, ये चीजें क्योंकि आजकल पॉलिटिकल पार्टी से जो है जो अधिकारी वो भी जुड़े हुए महसूस होते हैं, कोई किसी के सेक्ट में जुड़ा होता है, कोई किसी के, कोई एक हर पॉलिटिकल पार्टी के कोई अधिकारी जो अपने आप को अकाउंट को बना लेते हैं, उनकी उनके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। तो अगर एसपी साहब अगर सुप्रीम कोर्ट का ये जो कानून है या हाईकोर्ट ने भी जो उस पर फिर से एक बार डायरेक्शन दिया था तो उसको अगर ये लागू कर देते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, इनकी सराहना की जाएगी और कहा जाएगा वाकई इन्होंने कार्य किया जो और लोग नहीं कर पाए। बहरहाल हेमंत तिवारी साहब, कुछ विवाद होते नहीं है, बना दिए जाते हैं या फिर कुछ आपसी विवाद अधिकारियों के वो भी ऐसी रंगत पैदा कर देते हैं या ऐसे आदेश आने की उम्मीद हो सकती है या आ भी सकते हैं? जैसा आपने कहा था वैसा हमारे सहयोगी ने बताया भी कि मजिस्ट्रेट ने कहा कि जरूरत नहीं थी और एसएसपी साहब की तरफ से निर्देश दे दिया गया, वो भी बिना कॉन्फिडेंस में लिए या अपने अथॉरिटीज से बात किए हुए,
क्या वाकई ये दो लोगों की आपस की टकराहट है या फिर अपने आप को आगे रखने की कवायद है या फिर उसमें कुछ और भी आशंकाएं हो सकती हैं जिसकी उम्मीद आप कर रहे थे कि ना हो बेहतर है लेकिन आशंका बनी हुई है। देखिए गौतम बुद्ध नगर बहुत महत्वपूर्ण जिला है, एनसीआर का बहुत अहम हिस्सा है और ये दूसरी बार मैं देख रहा हूं। आपको याद होगा जब थानेदारों की नियुक्ति का विषय था तो भी जो एसएसपी साहब यहाँ है अजयपाल शर्मा और जो डीएम है बीएन सिंह इनके बीच में काफी चिट्ठी पत्री हुई थी, बड़ी चर्चा और बड़ी खबर थी उस वक्त। और इस बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सीधे कहना कि यह नोटिस भेजने की जरूरत नहीं थी। दरअसल ये नोटिस है क्या, सीआरपीसी में जो धारा 144 लगती है उसको इम्पोज करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको ऑथराइज करे जिस भी दंडाधिकारी को, और जो मजिस्ट्रेट होता है वो सिविल सर्विस का अफसर होता है। तो ये हमको लगता है कुछ ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में या फिर अज्ञान के चक्कर में या फिर हो सकता है कुछ बात हो जिसकी आशंका है, कुछ मतभेद हो उसके चक्कर में। ये काम पुलिस का थोड़ी है, ये काम पुलिस का नहीं है। अगर मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर कहीं समस्या होती है, कोई बात होती है, तो पुलिस सीधे थोड़े फायर कर सकती है, वहां जाकर को कर सकती है। फायर वहां तब तक नहीं होगा जब तक मजिस्ट्रेट आदेशों पर दस्तखत नहीं करेगा। इसी तरीके से जो दफा 144 होती है उसको लगाने का अधिकार मजिस्ट्रेट को है। तो एसएसपी साहब, सिटी में जो सर्किल अफसर या एसएचओ जो है सेक्टर 58 के, उनको क्या दिक्कत थी जाकर के बात करने में कलेक्टर, कलेक्टर तो जिले का मुखिया होता है। बिल्कुल, तो यहाँ तो एक तकनीकी चूक हुई है, लेकिन कभी कभी ऐसी तकनीकी चूक जो होती हैं वो बहुत बड़े विवाद को जन्म दे देती हैं, ये समझना चाहिए। मुझे लगता है कि एसएसपी जल्दी बन गए अजयपाल शर्मा, इनको अनुभव नहीं, शायद शामली का अनुभव है, एक जिले के बाद दूसरे जिले में बने। नहीं हेमंत तिवारी जी जल्दी भी बन गए और पिछले दिनों में काफी सुर्खियों में थे, बहुत सारे अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं, उसको लेकर चर्चाएं भी रहती हैं। अभी हमने बात करने की कोशिश की, हमारी टीम ने उनको फोन मिलाया तो उनका कहना था कि मैं व्यस्त हूं अभी बात कर नहीं सकता। यानी कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी में कुछ हो गया, अब इसका एहसास उनको भी हो रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन ने भी फौरन जैसे ही मामला सामने आया तुरंत मीडिया के सामने आके बात रखी कि यहां पर गाइडलाइन का मसला है, एक प्रशासन का मामला है, ना कि सरकार का। सरकार को उन्होंने बिल्कुल अलग रख लिया। दूसरी बात बता दूं, कायदे की बात तो है कि बड़ी सरकार है और एक मुख्यमंत्री ऐसे जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़ा डिटर्मिनेशन से काम करते हैं, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि जो नाजायज कब्जे हैं धर्मस्थानों के नाम पर, चाहे वो अली जी का धर्मस्थान हो चाहे बजरंग बली का धर्मस्थान हो, तो क्यों नहीं उसको खाली कराते, या इस तरह की और जो गतिविधियां होती हैं उसको, इसको तो एक पूरा कैंपेन चला करके इस पर काबू पाया जाना चाहिए भाई। ये धर्म निरपेक्ष हमारा राज्य है, ये यही प्रत्याशा होती है। और आप देखिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जितना उत्तर प्रदेश को हमने देखा है और निकट अतीत के जो अनुभव हैं वो तो यही कहते हैं भाई कि चुनाव आगे है, सरकार को, शासन को, प्रशासन को चाहिए कि आप किसी भी तरीके के विवाद न होने दें, आपके इंस्ट्रक्शंस हों। चीफ मिनिस्टर डांट के कहे कलेक्टर्स को और जो पुलिस कप्तान है जिलों के किस तरह की स्थिति न आए, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो अपेक्षित है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी कभी बहुत खराब हो जाता है। मैं इसी दृष्टि देख रहा हूं एसएसपी को यहां बहुत धैर्यपूर्वक बात करनी चाहिए थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिटी मजिस्ट्रेट को बोलता, उनको नोटिस देता, उन कंपनियों को नोटिस देता, पुलिस कैसे दे सकती नोटिस। और इस बिल्कुल जो अधिकार नहीं है उसको काम करने के लिए आगे बढ़कर कर देना, वो भी इस तरीके के मामले में अपने आप में आपको थोड़ा सा सवालों में खड़ा करता है या फिर ये दर्शाता है और एक बात की कमी है या एक बात अतुल को समझ नहीं पाया। जी हेमंत जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर। अतुल एक बात जरूर कह दूं, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहते तो उन कंपनियों के सीईओ के या अधिकारियों को फोन करके बोल देते, बुला लेते कि भाई देखिए इस तरह की दिक्कत हो रही है, लोगों को आपत्ति है, पड़ोसियों को, कि लोग 100, 200, 500, 1000 की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, आप इनकी या तो इनका इंतजाम करवाइए नमाज पढ़ने का,
और जैसा कि इमरान साहब ने कहा या वसीम रिजवी ने कहा, यही बात सही है, अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी दूसरे की जमीन पर उसकी इजाजत के बगैर नमाज पढ़ते हैं तो धार्मिक दृष्टि से भी यह अनुचित है, उस नमाज का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां एसएसपी ने गलती की, यहां बातचीत से देखिए, इस तरह के विवादों की जहां आशंका होती है कि कहीं हिंदू मुस्लिम हो जाए, कहीं दंगे के फसाद के नौबत आ जाएं, तो बातचीत एक बड़ा जरिया होती है और सब जो सूझबूझ होती है अधिकारियों को उससे काम लेना चाहिए था। अगर ये कहते तो वही कंपनी के मालिक अपने एम्प्लॉयज को कह देते कि भाई वहां इकट्ठा मत हो, हम इंतजाम कुछ कर रहे हैं, या इतनी दूर मस्जिद है, या धर्मभीरु देश है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। डीएम यह भी कह सकते थे कि तीनों कंपनियों के मालिक ये जमीन है, मिल करके हम मस्जिद बनवाइए ताकि ये लोग तमीज से और धर्म भाव से नैतिक रूप से बिल्कुल यानी एक सरल रास्ता उपाय हो सकता था बिना विवाद पैदा किए। लेकिन ऐसी कई बार जो जल्दबाजी में घटनाएं हो जाती हैं, कदम उठाए जाते हैं, उससे विवाद भी पैदा होता है। दारापुरी साहब, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा, जो अनुभव होना चाहिए अधिकारियों को, ऐसे पद पर बैठे हुए अधिकारियों को, क्योंकि कई बार हम आप लोग लखनऊ में बैठे हैं, हमने देखा है कि वहां पर अल्पसंख्यक समाज के ही दो धड़े या फिर कहें कि शिया सुन्नी कई बार सामने आ जाते थे और जो विवाद बढ़ जाता था, अधिकारियों की सूझबूझ से उसको भी मौके पर खत्म किया गया, ऐसे भी वाकई हमने देखे हैं। लेकिन इन चीजों में जहां दो धर्मों की बात आती है, दो गुटों दो समूहों की बात आ जाती है, ऐसा कदम उठाने से पहले सोचने की आवश्यकता थी, वो अनुभव क्यों नहीं है? क्या आपसी कोई लड़ाई है, आगे बढ़ने की होड़ है, और अब इस मामले में राजनीति ना हो इसके लिए फौरन एक्शन क्या होना चाहिए कम से कम? बहुत जल्दी से कमेंट सर। अब देखिए, ऐसा है कि ये बात तो सही है कि ये काफी चिंतन मनन के बाद ये कदम उठाया जाना चाहिए था। अब आगे राजनीति नहीं हो तो फिर जो एसएसपी है या जो प्रशासन है उनको ये दर्शाना चाहिए कि ठीक है, इस मामले में हमने आदेश दिया, परंतु बाकी किसी मामले में हम दूसरे किसी को भी छूट नहीं देंगे। ये अगर ये ऐसा प्रशासन करता है तो फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, पर अगर नहीं करता तो फिर वाकई इसमें चलिए यानी अगर 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 कोई निर्देश है तो उसका दोनों के ऊपर एक तरह से ही पालन होना चाहिए, लागू होना चाहिए। सबसे पहले तो लागू हो, बाद में उसको हम सोचेंगे। अगर एक तरफा है तो उस पर सवाल खड़ा होगा, विवाद भी होगा, राजनीति तो हर हाल में होगी। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। शलभ, जो इस वक्त नोएडा का मामला सामने आया कि नमाज पढ़ने को लेकर कुछ लोगों ने, आसपास के लोगों ने अपनी आपत्ति की और फिर वहां के एसएसपी ने फौरन आदेश दे दिया, थाना प्रभारी ने आदेश दे दिया, लेकिन डीएम का कहना है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण इसका कहीं दिखता है। कुछ लोगों की यह आशंका हो गई, कुछ का कहना है कि सरकार के इशारे पर ऐसा होगा या हो चुका है तो सरकार को उसको सही से मॉनिटर करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो जो ये कह रहे हैं कि सरकार के स्तर पर होना चाहिए या सरकार के स्तर पर हुआ, तो अगर सरकार के स्तर पर हुआ तो पूरे प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, पहली बात। बिल्कुल, राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनका काम है राजनीति करना, हमारा काम तो ये है कि बेहतर प्रशासन चले। अगर नोएडा के एसएसपी को किसी ने शिकायत की कि कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं खुले में, वहां पे नमाज नहीं होनी चाहिए, भाई निश्चित तौर पर धर्म की सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन आपकी धार्मिक स्वतंत्रता किसी के लिए परतंत्रता ना बने, किसी के लिए मुसीबत ना बने, इसकी चिंता करना भी आपका दायित्व है। अब बहुत से लोग हैं जो अगर मंगलवार को बैठ के चौराहे पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें और उसकी वजह से ट्रैफिक बाधित होने लगे तो क्या आप कहेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? तो ये तो सबको ख्याल रखना चाहिए कि आपको नमाज पढ़ने का अधिकार है, आपको पूजा करने का अधिकार है, लेकिन आपकी नमाज की वजह से, आपकी पूजा की वजह से किसी को दिक्कत ना हो, यह भी चिंता करना आपका काम है। और अगर आपकी नमाज से किसी को दिक्कत हो रही है, समाज में वैमनस्यता फैल रही है, तो ऐसे में जो भी प्रशासनिक अधिकारी वो अपना काम करेगा, अब इसमें राजनीति कहाँ से आती है? नहीं, देखिए शलभ, ये तो आप भी जानते हैं ना, आपका लंबा अनुभव रहा है कि राजनीति तो हर हाल में हो जाती है किसी भी मुद्दे पर, इस मुद्दे पर तो राजनीतिक पार्टियां, वो भी बीजेपी के खिलाफ जब मुद्दा मिल जाए तो अपने आप में इससे बड़ा मुद्दा वो बना देंगी, तो आपका अनुभव और आपकी चुनौती भी है, लेकिन वो अलग मसला हो गया। यहां पर तो सवाल दो अधिकारियों के बीच का है। आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही, मेहमान भी यही कह रहे हैं, वो चाहे हसन साहब हो, पूर्व आईपीएस अधिकारी दारापुरी साहब हो, या फिर हेमंत तिवारी जी बैठे हैं, उनका भी यही कहना है। सवाल इस बात का है कि एसएसपी एक कदम उठाते हैं और फिर मजिस्ट्रेट कहते हैं, डीएम कहते हैं वहां पर कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं थी और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी गई। दो अधिकारियों में भी आपस में वैसी ही राजनीति या टकराव है क्या? नहीं, देखिए टकराव कहीं नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर दो अलग अलग विचार आए हैं दोनों अधिकारियों के, तो निश्चित तौर पर यह समीक्षा का विषय है और ये जांच का विषय है, सरकार इसको देखेगी।
लेकिन क्योंकि जब कोई सूचना होती है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो सबसे पहले आप या हम या कोई जो नागरिक है वो डायल 100 ही करते हैं, और डायल 100 पुलिस का काम होता है। आपको पता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को फोन नहीं करता, कोई एसडीएम को फोन नहीं करता, सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम को लोग फोन करते हैं, और पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस को जो लगता है कि वहां पर जिस वजह से विवाद शांत हो सकता है पुलिस अपना काम करती है। तो एसएसपी को लगा होगा कि वहां पर इसके चलते वैमनस्यता फैल रही है, आप पूजा करिए, आप नमाज करिए, लेकिन आपकी नमाज से दूसरों को व्यवधान ना हो, दूसरों को परेशानी ना हो, ये काम देखना पुलिस का काम नहीं है, ये प्रशासन का काम नहीं है, ये भी आपका काम है कि आप नमाज पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, पूरी तन्मत्ता से पढ़िए, लेकिन आपकी नमाज किसी की परेशानी का सबब न बने, ये काम देखना प्रशासन का नहीं है। और अगर आपकी नमाज परेशानी का कारण बनती है, व्यवस्था का कारण बनती है, तो ऐसी नमाज नहीं होने दी जाएगी, ऐसी नमाज रोकी जाएगी। अगर आपकी नमाज से दुश्मनी फैल रही है दो वर्गों में, आप कहीं बाहर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, उससे ट्रैफिक बाधित हो रहा है, उससे लॉ एंड ऑर्डर का खतरा पैदा हो रहा है, तो ऐसी नमाज नहीं होने दी जाएगी, ऐसी नमाज रोकी जाएगी। और अगर ऐसी नमाज रोकी गई है तो मुझे लगता है कि एसएसपी ने बिल्कुल ठीक काम किया है, फौरी तौर पर वहां पर गई होगी पुलिस, पुलिस को लगा होगा कि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो पुलिस ने फैसला लिया है। और मुझे नहीं लगता कि इस पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो अपने तमाम ज्ञान दे रहे हैं, उनको ज्ञान देने की आवश्यकता है। पुलिस के जो लोग हैं वो जानते हैं कि पुलिस को बहुत सी परिस्थितियों में मौके पर जाकर बहुत से फैसले लेने पड़ते हैं, तो इसको लेकर राजनीति करने की बजाय पुलिस को सहयोग करें और ऐसे लोगों को समझाएं। नहीं नहीं, शलभ, ज्ञान यहाँ पर खुद डीएम साहब भी दे रहे हैं ना, तो आपने पहले ही कह दिया है कि सरकार देखेगी, तो आप देखिएगा जरूर यहाँ पर डीएम साहब को और एसएसपी साहब को कि उनके बीच में आखिर कहाँ ज्ञान की कमी है या फिर कहाँ पर दिक्कत पैदा हो गई है, क्योंकि डीएम साहब ने ही बोला है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, और कॉन्फिडेंस में ले लेते तो बिना लिखित पत्र जारी किए भी हम चाहते तो इसका हल निकाल सकते थे। अब वहां पर क्या कमी है उसको आप जरूर परखेंगे। अच्छी बात है, लेकिन डीएम ने यह भी नहीं कहा कि यह फैसला नहीं होना चाहिए था। डीएम ने यह कहा होगा कि जरूरत नहीं है, पर डीएम ने यह भी नहीं कहा कि नहीं यह फैसला गलत हो, ये नहीं, नहीं, नहीं डीएम ने यह भी नहीं कहा है कि इसकी जरूरत थी या नहीं थी, सवाल इसी बात का, डीएम ने खुद कहा ना कि इसकी जरूरत ही नहीं थी, यानी उनको लगता है कि ये ना तो एसएसपी का अधिकार था, ये अधिकार उनका था, और ना ही उनको ये पत्र लिखने की जरूरत थी, क्योंकि इससे सरकार सीधे सवालों में आ जाएगी, कई तरह के माहौल की बात होगी, कई तरह की आशंकाएं होंगी, और वैसे ही राजनीति है, आने वाले समय का चुनाव है, तो आप पर तो हमले और भी ज्यादा होंगे। बहरहाल शरद, बहुत शुक्रिया आपका। हसन साहब, बहुत जल्दी से एक छोटा सा कमेंट हमारे साथ कर दीजिए, बस सिर्फ इतना सवाल कि आपने मान लिया कि वैसे ही गलत है, लेकिन अब यहाँ पर अधिकारियों को भी थोड़ा सा इसमें सामंजस्य बिठाने की जरूरत थी, और कंपनी को निर्देश सीधे दे देते ज्यादा बेहतर होता। जाहिर सी बात है, कंपनी से बैठ के बात करके, ये कंपनी की भी जिम्मेदारी है कि तब इतने वर्कर अगर बहुत सारे हैं उनके, तो उनके लिए कोई एक इंतजाम करें, और वो भी जुमे की नमाज होती है, आधे घंटे का मैक्सिमम समय होता है, कहीं भी छत पे ऊपर जाके पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, पार्किंग में पढ़ सकते हैं, ये उसका कोई वो अरेंजमेंट कंपनियां कर सकती है, और ताकि लोगों की नमाजें भी हो जाए जायज तरीके से। और ये वाकई सबसे पहले तो जिम्मेदारी कंपनी की थी, जब उनको पता है कि ऐसी व्यवस्था है और हर जुमे को नमाज अदा करते हैं, तो उसकी व्यवस्था उनको करनी भी चाहिए अगर कोई नियर बाई वहां पर मस्जिद नहीं है। हेमंत जी, बहुत जल्दी से, लेकिन सर छोटा सा कमेंट कर दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। अभी शलभ को आपने सुना, उनका कहना है कि किसी को ज्ञान देने की भी जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ उनके हिसाब से एसएसपी का फैसला भी सही है, डीएम साहब को क्यों नहीं लगता कि सही, और सरकार के प्रवक्ता क्यों अपने आप को इससे अलग कर रहे हैं कि सरकार का कोई रोल नहीं इसमें? अतुल, ऐसा है कि मुझे लगता है कि शलभ को विषय का पूरा ज्ञान नहीं था। शलभ ने बहुत साल तक पत्रकारिता की है, अगर पत्रकार के तौर पर उनसे पूछा जाता तो जरूर बताते कि एसएसपी ने गलत किया है, ये काम मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है, वो बिना जाने बोले गए। लेकिन आपने देखा कि एक राजनेता के तौर पर उन्होंने जो बोला है, आप उनके शब्दों को सुनिएगा, मैं नहीं समझता हूं कि सत्तारूढ़ दल से जुड़े किसी भी व्यक्ति को, और खास तौर से शलभ मणि जैसे प्रवक्ता को, जो विद्वान है, पत्रकार रहे हैं, उनको इस तरह की बात बोलनी चाहिए थी। ऐसी चलिए, लेकिन शायद जल्दबाजी में ऐसा कुछ कह गए या फिर उनको पूरा इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी पत्रकार के तौर उनका लंबा अनुभव रहा है। बहरहाल सर, मैं रोक रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया तिवारी साहब आपका, इमरान हसन साहब आपका, और दारापुरी साहब आपका। तो कुल मिलाकर नोएडा में बिना बात के एक विवाद हो सकता है या फिर उसको विवाद का स्वरूप दिया सकता है। हालांकि हम इस पर चर्चा कर रहे थे, इस मुद्दे को हमने उठाया, हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि इस मुद्दे को सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर दे। यहां पर शायद थोड़ी जल्दबाजी हो गई, शिकायत थी, उसका निपटारा हो सकता था, अधिकारियों में तालमेल होता तो लिखित निर्देश की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ऐसे मौकों की तलाश में तमाम उपद्रवी भी रहते हैं और राजनीतिक दल भी रहते हैं कि कैसे सरकार को घेरे। नमस्कार।